और जितने भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित है और मेरे समक्ष सभी कार्यकर्ता, सभी अतिथिगण, मेरे भाई बहन बुजुर्ग, आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ इस भद्रवाह की देवों की धरती पे आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम है, ये हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप सभी बाखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो एक गरीब से लेकर एक हर वर्ग के व्यक्ति के लिए समर्पित है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज ये चमन जो फूलों से खिला है, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट और सपोर्ट करने जा रहे हैं, यही है मोदी की देन। कहाँ है पुरानी सरकारें जिन्होंने हमेशा लड़ाई, दंगे, फसाद हम लोगों के बीच में जो एक फूट डालने का उनका प्रयास था, लेकिन आज वो खत्म हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि धर्म की ही जीत होती है, चाहे देर लगे लेकिन दृष्ट आए है। आज सभी लोग जान चुके हैं कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सेफ है, सुरक्षित है। बहुत कुछ दिया है सरकार ने, गिनते गिनते पूरा दिन लग जाएगा। सभी जानते हैं आज सोशल मीडिया का दौर है, किसी को गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी नारियों को जो मान सम्मान मिला है, जिस खुशी में आज हमारी सभी महिलाएं जो है नारी शक्ति मेरे समक्ष खड़ी है, ये श्रेय मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देती हूँ। बहना, कहा हमें किसी ने कोई सपना नहीं दिखाया था कि आप लोगों को वार्ड मेंबर बनाएंगे, बीडीसी बनाएंगे, लेकिन आज हमारी बहनें एमपी इलेक्शन लड़ रही हैं और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं हमारे मंच पर, जिस तरीके से हमारी अभी बहन संगीता भगत जी हमारे सामने हैं, इसी प्रकार से 25% हमारी जो नारी शक्ति है हमारे मंच पर उपस्थित होगी। और आज मैं इस मंच से एक और आग्रह करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बराबरी कर दो, 50% कर दो, महिलाओं को भी 50% कर दो। जिस तरीके से पुरुष को पूरा अधिकार है, उसी तरीके से नारियों का भी पूरा अधिकार है। अगर ये देश आगे बढ़ता है तो उसमें बराबर भागीदारी है। जिस तरीके से एक पुरुष सशक्त है, उससे ज्यादा भी मुझे आज नारियां सशक्त दिख रही है। वो नारियां बिचारी जो घर में रहती थी, सिर्फ चूल्हे और चौके की नारियां होती थी, कभी उनको नहीं बोला जाता था कि आपका भी कोई जो अधिकार है, आपका भी जो मान सम्मान है वो बराबर है। जो नारी हाथ से पकड़ के एक बच्चे को चलना सिखाती है, बात करना सिखाती है, पहली शिक्षा गुरु जो होती है वो नारी होती है। लेकिन हमेशा एक मानसिकता ऐसी बन चुकी थी पुरानी सरकारों में कि नहीं जी औरतें कुछ नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती, जो आज पुरुष बड़ी बड़ी स्टेजों पे बड़े बड़े उसमें बैठते हैं तो नारी ही उनको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। अरे आपको मानना पड़ेगा, आज अगर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ तो इसमें सबसे पहले जो मेरे अपने मेरे पापा हैं, उनकी देन है। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया था कि तुझे समाज का काम करना है। तो मैं बिना डर के, बिना झिझक के आप सभी बहनों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से आज आपके सामने बोल रही हूँ। तो ये मेरे पिता की देन है, मेरे पापा की देन है। उसके बाद एक स्त्री जो होती है, एक औरत जो होती है, ससुराल में जाने के बाद उसके हाथ में बहुत सारी जो कड़ियां है वो लग जाती है, लेकिन धीरे 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 कैसे उनको अपने हाथ में, अपने पक्ष में किस तरह से उनकी बात माननी है, खुद की बात मनवानी है। ऐसे है मेरे ससुराल वाले जिन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि बेटी जल्दी कर, देर हो रही है, तेरी मीटिंग है। ऐसी मेरी सास है जिन्होंने मुझे कपड़े निकाल के दिए, इतना तक बोले कि जल्दी कर, मैं ब्रश करूंगी, तुझे लेट होगा। सबका परिवार ऐसा होना चाहिए, सबको ये मानना होगा। अपनी बेटी को आगे करना है तो सहयोग देना होगा, अपनी बहू को सहयोग देना होगा तो वही आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज ऐसे कोई भी महिला आगे नहीं आ सकती है। मैं उन परिवार वालों को भी प्रणाम करती हूँ जो मेरी बहनें अभी मेरे सामने समक्ष हैं, ये इन्हीं के परिवार की जो साथ है, जो उनका सहयोग है, तभी आप मेरे सामने बैठी हुई हो। मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, मुझे बोलना थोड़ा उतना नहीं आता, कम आता है। क्षमा करना अगर कुछ मैंने हड़बड़ाहट में कुछ बोला होगा तो। अभी बहुत सारे लोग बोलने गए हैं,
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्पना जी, तो इनकी जबानी पूछते हैं कहाँ ये जलसे में आए थे, तो जलसा कैसा रहा? डॉक्टर जितेंद्र जी का जलसा था। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हर टाइम जनता की आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जलसा था, तो हाँ, आज हमारे जो MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से भारी सीट के साथ मैं कहूँगी कि वो जीत के जाएंगे, ये हमारा दावा है। और ऐसे जैसे प्रोग्राम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी एक दिन में 6-6 प्रोग्राम करती है। एक दिन में मतलब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो 6-6 जगह पे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम इन दिनों में हुए, आप खूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है पूरी आवाम जो है तहे दिल से इसका भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट सपोर्ट और पूरा सहयोग करेगी, ऐसा हमारा मानना है। हैं मैडम किरण जी जो कि सरपंच भी रहे हैं, तो मैडम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस जलसे को आप और उभार के सब जगह पे पहुँचाओगे। तो आज का जलसा कैसा रहा? डॉक्टर साहब आए थे तो इन्होंने क्या कहा, भगवा को क्या दिया कुछ नहीं दिया? नहीं, इनका हर जलसा जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। हमने इनका पहला जलसा वहाँ पे हुआ था काश्तीगढ़ में, तो हम वहाँ भी गए थे और वहाँ पे भी इतने लोग थे, इतने गांव, मतलब दूर दूर लोग रहते हैं पहाड़ियों पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बात रही भद्रवा की, तो यहाँ पे भी दूर दूर से लोग जो हैं वो आए हुए, और इतनी मतलब भीड़ थी कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इतनी दुनिया यहाँ पे आई हुई थी। सब लोग बढ़ चढ़ कर मोदी जी के साथ हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो 400 पार का नारा लगाएं, ऐसा नहीं हो कि 450 ही हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग। सर मैम भी आपको फुल मतलब कॉन्फिडेंस है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल बच्चा और चाहे हम बूढ़े देख लें, चाहे नौजवान देख लें, हर एक ही जुबान पे बस एक ही नाम है मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने किसी भी उम्र के लोगों को छोड़ा नहीं है। बच्चों के लिए अलग स्कीमें, बूढ़ों के लिए अलग स्कीमें और नौजवानों के लिए अलग स्कीमें, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीमें हैं। और हमें उन्होंने 33% देके हम पे तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, और हम उनसे अब गुजारिश करेंगे मोदी जी से कि अभी हमें 33% से बढ़ाकर हमें 50% हमारा जो आरक्षण है वो रखा।